नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल डिजिटल फंक्शन पर। फिर मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लाया हूं दोस्तों। आज बात करेंगे दोस्तों फेना साबुन की। 5 रुपये वाले जो कपड़े धोने का साबुन आता है डिटर्जेंट, और जो बर्तन का धोने का साबुन आता है निप 5 रुपये वाला, उसका होलसेल रेट जानने की कोशिश करेंगे कि एक पेटी कितने की पड़ती है दुकानदार को, रिटेलर को। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, क्योंकि किराना स्टोर व जनरल स्टोर से संबंधित मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और आए दिन समय समय पर मैं रेटें बताता रहता हूँ, ताकि जो भी किराना दुकान खोलना चाहता है या जनरल स्टोर खोलना चाहता है उसको मेरी वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे इस प्रकार की ये फेना साबुन की पेटी है 5 रुपये वाली, जिसकी MRP 5 रुपये होती है, और इसके अंदर 100 पीस निकलते हैं, यानी 100 टिक्की निकलती हैं, आलू की नहीं साबुन की टिक्की निकलती हैं दोस्तों। इस प्रकार के आप देखोगे, मैं पेटी खोल के दिखाता हूँ, यानी 5 रुपये MRP की 100 टिक्की निकलती है, यानी 500 रुपये का माल निकलता है एक पेटी के अंदर। इसका मैं होलसेल रेट भी बताऊँगा, और इसका जो वजन है वो 70 ग्राम इसका वजन है दोस्तों। इस प्रकार की टिक्की निकलती है, आप देख सकते हो वीडियो में, और काफ़ी ज़्यादा सेल होती है ये इंडिया में। और अब मैं आपको बताऊँगा निप जो बाहर आता है 5 रुपये वाला, इसकी भी मैं पेटी का रेट बताऊंगा होलसेल, और इसमें कितनी बचत होती है दुकानदार को वो भी बताऊंगा। तो आप देखोगे पेटी बहुत भारी पेटी आती है, लेकिन छोटी होती है। इसके अंदर दोस्तों 150 यूनिट निकलती हैं, 150 यूनिट यानी चिक्की निकलती है 5 रुपये वाली, यानी कि 750 रुपये का माल निकलता है इस पेटी के अंदर। और एक साबुन का जो वजन होता है क्या ना निप बार का, वो होता है 65 ग्राम। ये देखोगे आप इस प्रकार की आती है, ये नींबू वगैरह से इस पर छपा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा सेल होता है ये। और ये 5 रुपये की बिक्री का 750 रुपये का माल आता है इसके अंदर, आप देख सकते हो ये बर्तन धोने का साबुन है। अब बात करें दोस्तों इनके होलसेल प्राइस की, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों, जो फेना साबुन की पेटी आती है वो बाज़ार से लेने पर 425 या 430 रुपये की मिलती है, लेकिन ये मुझे कहीं से 416 रुपये की पड़ी है। मैं आपको बिल भी दिखाऊँगा अभी, 416 रुपये की मुझे पड़ी है, यानी कि एक साबुन मुझे 4 रुपये 16 पैसे का पड़ा है, आप देख सकते हो 4 रुपये 16 पैसे का पड़ा है, यानी पूरी पेटी बेचने पर मुझे 84 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 500 रुपये का माल है। अब बात करें निप बार की, ये मुझे दोस्तों 598 रुपये की पेटी पड़ी है, इसके अंदर 150 पीस है, यानी कि एक साबुन मुझे 4 रुपये का पड़ा है ये निप बार, इसको बेचने पर मुझे 150 रुपये का प्रॉफिट होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।